कमिंग टू द क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, एक सीरीज दी हुई है जो कि एपी में ऑलरेडी है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, पहला हमें टर्म निकालना है विच टर्म ऑफ दिस एपी, ये जो एपी दिया हुआ है हमारे पास इसका कौन सा टर्म -81 होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया गया है, पूछा गया है इज एनी टर्म 0, क्या कोई भी टर्म 0 भी हो सकता है इस एपी का। ठीक है, तो हमें दोनों ही केसेस में क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है पहले हम उसको जस्टिफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गिवन। अगर यहाँ पे देखें हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ए की 21, ए टू की वैल्यू 18, ठीक है, ए थ्री की वैल्यू 15, करेक्ट। और ये -81 क्या होगा, -81 आपका nth टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, मीन्स ए एन इज इक्वल टू -81। तो इस केस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें d की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जैसा कि सीरीज ap में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस। सपोज अगर हम लोग 18 और 21 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 18 - 21 = -3। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, -81, ये हम लिख लेंगे -81। दिस इंप्लाइज अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो जो पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, 21 प्लस एन की वैल्यू हमें मालूम करनी है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -3, दिस इक्वल्स टू -81। सो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन होल इंटू -3 इज इक्वल टू -81। अब ये पॉजिटिव है 21, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -21 हो जाएगा, मीन्स -21। दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -81 -21, कितना हो जाएगा, -102। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव साइन है और राइट हैंड साइड में जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, 102/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। तो देयरफॉर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34। अब ये माइनस वन अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। 34 + 1 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका nth टर्म जो इस एपी का, वो n की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 35। मीन्स जो पहला पार्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, n इज इक्वल टू 35। इसका मतलब क्या हुआ, 35 टर्म इस एपी का कितना होगा, -81। ठीक है, अब इसी तरह हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कौन सा, क्या कोई भी n का वैल्यू 0 हो सकता है, रिप्रेजेंट करता है nth टर्म ऑफ एन एपी का या फिर नहीं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए अगेन हमारा एम क्या होगा, n को फाइंड आउट करने के लिए, और इस केस में nth टर्म ऑफ एन एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, करेक्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है इस केस के लिए जीरो, दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू क्या है 21, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, प्लस एन की वैल्यू हमें अगेन फाइंड आउट करनी है माइनस वन होल इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन होल इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 21 है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 21, ठीक है। तो अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन है नेगेटिव और राइट हैंड साइड में भी साइन है नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। उसके बाद क्या होगा n माइनस वन इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस वन अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ जो लास्ट ऑप्शन था हमारा ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो गिव रीजन फॉर योर आंसर, मीन्स ये जो n की वैल्यू आ गया हमारे पास 8, इसका मतलब क्या हुआ कि 8th टर्म इस AP का क्या होगा जीरो और 35th टर्म इस AP का क्या होगा माइनस 81। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था जो हमारा फाइनल आंसर हो गया, पहला n इज इक्वल टू 35, सेकेंड केस में n इज इक्वल टू 8।